क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, उसको यूज करने के लिए हमने उसका क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। क्लास को परिभाषित करने के बाद मेन प्रोग्राम में हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है क्लास को क्रिएट करने के बाद, जब मेन फंक्शन में आपको इस क्लास को यूज करना है तो आप क्लास नेम लिखकर फिर उस ऑब्जेक्ट, जिस नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू उस क्लास के सभी वेरिएबल्स और फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो एक कॉमन सिंटैक्स बनता है वो इस प्रकार से बनता है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है वो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम को लिखने के बाद आपको डॉट ऑपरेटर लगाना है, आप लगाएंगे एक डॉट ऑपरेटर, और फिर जिस भी मेंबर को आपको एक्सेस करना है आप उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये मेंबर कोई वेरिएबल है तो यहां आ जाएगा आपका वेरिएबल, और अगर कोई मेंबर एक फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। अभी इस फंक्शन में अगर आर्गुमेंट है तो आप आर्गुमेंट देंगे, फंक्शन में अगर आर्गुमेंट नहीं है तो आप आर्गुमेंट नहीं देंगे। इस प्रकार से वन बाय वन आप किसी क्लास के मेंबर को थ्रू ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट नेम, फिर डॉट लगा के फंक्शन नेम, या ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के वेरिएबल नेम। ये ध्यान रखें कि क्लास के बाहर अगर आपको उन फंक्शंस और वेरिएबल को यूज करना है तो ऑब्वियसली वो वेरिएबल और फंक्शन प्राइवेट मोड में ना होकर पब्लिक मोड में होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट मोड में आपने जो भी वेरिएबल और फंक्शन को परिभाषित किया उसे आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को प्राइवेट मोड में रखते हैं, डेटा को हाइड कर देते हैं, और उन डेटा को यूज करने वाले फंक्शन को पब्लिक मोड में रखते हैं, जिससे हम फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास मेन फंक्शन में थ्रू ऑब्जेक्ट यूज कर सके, कॉल कर सके। एग्जाम्पल के लिए जो आपने आइटम नाम का क्लास लिया था, आइटम नाम का आपने एक क्लास परिभाषित किया था, क्लास आइटम, और इसमें आपने दो वेरिएबल डिफाइन किए थे, इंटीजर कोड और फ्लोट प्राइस। इसके बाद आपने मोड चेंज किया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां कौन सा मोड है, प्राइवेट मोड है। आपने दो फंक्शन लिया था, एक गेट डेटा और एक डिस्प्ले। इस प्रकार से आपने क्लास को परिभाषित किया था। क्लास को परिभाषित करने के बाद अब आपको क्लास का पहले क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट। उसके लिए आपने एक मेन फंक्शन लिया, इंट मेन। मेन फंक्शन को लेने के बाद सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास नेम है हमारा आइटम, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सपोज आपने आई, एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस आई के अंदर भी आपके दोनों वेरिएबल और दोनों फंक्शन आ जाएंगे, एक गेट डेटा, एक डिस्प्ले, एक कोड और एक प्राइस। अब अगर इन मेंबर्स को आपको यूज करना हो, एक्सेस करना हो थ्रू ऑब्जेक्ट, तो हम यहां देख रहे हैं कि इंटीजर कोड और फ्लोट प्राइस, ये जो दो वेरिएबल है, चूंकि ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मोड में है तो इसे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप किसे एक्सेस करेंगे, फंक्शन को एक्सेस करेंगे। इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम ये सिंटेक्स फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे आई डॉट, आपने एक पहले फंक्शन को कॉल किया गेट डेटा, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखा, दूसरे फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले। इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शन को क्लास के एक्सेस कर सकते हैं किसी मेन क्लास फंक्शन में। और जब आपने यहां पर ऑब्जेक्ट आई के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया तो आपका एग्जीक्यूशन इस आइटम नाम के क्लास में आ गया, और आइटम नाम के क्लास में इस गेट डेटा फंक्शन में आ गया। आगे इस गेट डेटा फंक्शन में जो भी आप कार्य देंगे वो कार्य वो संपादित करेगा। इस प्रकार से हम किसी क्लास को क्रिएट करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। यही अगर आपका वेरिएबल जो है पब्लिक मोड में होता, यही अगर वेरिएबल आपके पब्लिक मोड में होता तो आपने जिस प्रकार से यहां पर फंक्शन को कॉल किया है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डेटा को भी कॉल कर सकते थे। इंटीजर डॉट कोड बराबर आपको जो वैल्यू देनी है आप वो वैल्यू भी इसमें दे सकते हैं या आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली चूंकि हम डेटा हाइडिंग चाहते हैं इसलिए हम
क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करते हैं, फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक्सेसिंग मेंबर ऑफ क्लास, क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है थ्रू ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में। नेक्स्ट, अब हमको ये जो फंक्शन है, अभी आपने देखा जितने बार भी मैंने समझाया, फंक्शन को केवल मैंने डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। ऑब्वियस है ये फंक्शन है और किसी भी फंक्शन को किसी कार्य को संपादित करने के लिए परिभाषित किया जाता है, तो इस फंक्शन की कोई ना कोई बॉडी होगी, तो हमें इस फंक्शन की बॉडी को भी परिभाषित करना है। तो किसी भी क्लास के फंक्शन के बॉडी को परिभाषित करने के दो तरीके हमको C++ में अवेलेबल है, जो इस प्रकार से है। डिफाइनिंग फंक्शन ऑफ क्लास, किसी क्लास के फंक्शन को परिभाषित करना हो, उसकी बॉडी देनी हो, तो दो तरीके हैं। एक है आउटसाइड ऑफ द क्लास और एक है आपका इनसाइड ऑफ क्लास। अर्थात आप किसी क्लास के फंक्शन को क्लास के अंदर भी परिभाषित कर सकते हैं, उसकी बॉडी को डिक्लेयर करने के साथ साथ परिभाषित भी कर सकते हैं, या किसी क्लास के बाहर भी परिभाषित कर सकते हैं। पहले हम इनसाइड ऑफ द क्लास को देखते हैं। इनसाइड ऑफ द क्लास कैसे होगा, किसी क्लास का एक आप सिंटेक्स लीजिए, क्लास, क्लास नेम, ये हम सिंटेक्स देख रहे हैं इसका। फिर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप जितने आपको वेरिएबल डिफाइन करने हैं आप उन वेरिएबल्स को परिभाषित करेंगे, इस प्रकार से जो वेरिएबल डिफाइन करना हो, मोड चेंज करना हो तो मोड चेंज करेंगे। फिर आप किसी फंक्शन को परिभाषित करेंगे, फंक्शन को परिभाषित करने के लिए अगर फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप देना है तो वो देंगे। फिर आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन नेम, अगर इस फंक्शन में आपको कुछ आर्गुमेंट देने हैं तो आप ये आर्गुमेंट देते हैं। यही अगर आपने सेमी कोलन नहीं लगाया, अर्थात आपने फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर किया है, साथ ही साथ इस फंक्शन की बॉडी भी अगर आप किसी क्लास में परिभाषित कर दे, बॉडी ऑफ फंक्शन, और फाइनली आप किसे क्लोज कर दे, फंक्शन को क्लोज कर दे, ऐसे जितने फंक्शन चाहे आप परिभाषित कर सकते हैं, फाइनली आप किसे क्लोज करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे। तो इस प्रकार से जब एक वेरिएबल को यूज करने वाले फंक्शन की बॉडी आपने क्लास के अंदर ही परिभाषित की कर दी है तो यह कहलाता है इनसाइड ऑफ क्लास। क्लास के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर भी किया आपने, यहां पर आपने यहां पर क्या क्या किया है, डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है। तो ये तो हो गया इनसाइड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट अब आता है हमारा आउटसाइड ऑफ द क्लास। C++ हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप चाहे तो अपने क्लास में कितने भी फंक्शन को डिक्लेयर कर दे और उस फंक्शन को आप क्लास के बाहर परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए हम जो सिंटेक्स फॉलो करते हैं वो इस प्रकार से है, किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद अगर उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर वो फंक्शन जिस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास नेम, और फिर एक क्लास लेबल लगाते हैं, ये एक सिंबल है या आप इसे एक ऑपरेटर कह सकते हैं जो कहलाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बाद आपका जो भी फंक्शन का नाम है उस फंक्शन के नेम को आप लिखते हैं जिस फंक्शन को आपको परिभाषित करना है, और इसके अगर कोई आर्गुमेंट है तो आप उस आर्गुमेंट को लिखते हैं, फिर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहां आप बॉडी ऑफ फंक्शन को परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित कर सकते हैं, जहां यहाँ पर ये उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, ये उस क्लास का नाम है जिस क्लास को फंक्शन जो है जिस क्लास को बिलोंग करता है। इसके बाद जो हमने यहाँ पर लगाया ये है कोलोन साइन को हमने दो बार लगाया, जो एक ऑपरेटर बनता है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि ये बताता है कि ये जो फंक्शन है वो इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि
कई आप फंक्शन हो सकते हैं भाई, जब आप क्लास के बाहर परिभाषित कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम में जो है एक ही क्लास हो और उस क्लास में एक ही फंक्शन हो। हो सकता है आपके प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास हो और हर क्लास में कुछ फंक्शन हो और उन फंक्शंस को आपको क्लास के बाहर परिभाषित करना हो। तब अगर सेम नाम का फंक्शन हुआ तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फंक्शन किस क्लास का है? तो इसलिए हम यहाँ पर क्लास नेम लिखते हैं कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है और उस क्लास के स्कोप को बताने के लिए कि हाँ ये फंक्शन उस क्लास को फॉलो कर रहा है या उस क्लास का पार्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं और इस प्रकार से हम क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक प्रोग्राम कंसिडर करते हैं जिससे ओवरऑल हम क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, साथ ही साथ कैसे क्लास को क्रिएट किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जाता है, कैसे क्लास के फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। इसलिए हम एक प्रोग्राम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, राइट द C++ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले कोड लिया और उसके फंक्शन को परिभाषित करना शुरू किया। फंक्शन में गेट डेटा है, माना आपने यहाँ पर दो वेरिएबल रीड किया, आपने बोला कि सी आउट एंटर कोड एंड प्राइस और सी इन आपने कोड और प्राइस को रीड कर लिया। इस फंक्शन का काम करना दूसरे फंक्शन को परिभाषित करना है, फिर से दूसरा फंक्शन जो है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम है आपका डिस्प्ले, सॉरी फंक्शन जो है जिस क्लास को बिलोंग करता है वो है आइटम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, आपने फंक्शन का नाम दे दिया। अब मे बी ये आपके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा तो सी आउट कोड सी आउट स्लैश एन कोड इक्वल टू कोड और दूसरा आपने डिस्प्ले किया सी आउट स्लैश एन प्राइस इक्वल टू प्राइस। इस प्रकार से आपने दो फंक्शन को परिभाषित कर दिया। अब आगे इस फंक्शन को अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, तो आप इसके लिए यहां पर एक परिभाषित करेंगे मेन फंक्शन, आपने एक परिभाषित किया मेन फंक्शन void main, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो आपने क्लास को परिभाषित किया, अब नेक्स्ट काम है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम जानते हैं हम पहले लिखते हैं क्लास नेम, आइटम और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो उस ऑब्जेक्ट का जो नाम रखना हुआ नाम रखेंगे, अर्थात इस एक्स में सभी वेरिएबल और फंक्शन आ जाएंगे जो उस क्लास में है। इसके बाद अगर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको इन फंक्शंस को एक्सेस करना है, क्यों सिर्फ फंक्शन को क्यों, क्योंकि जो आपके वेरिएबल्स है वो प्राइवेट मोड में है तो ये तो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होंगे। अगर फंक्शन को एक्सेस करना है तो पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर फंक्शन, जिस फंक्शन को आपको एक्सेस करना है और एक्स डॉट डिस्प्ले। इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर थ्रू ऑब्जेक्ट। आप जहां कहां कैसे भी परिभाषित कीजिए, आपका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होगा। मेन फंक्शन में सबसे पहले आइटम नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एक्स, एक्स के थ्रू आपने गेट डेटा को कॉल किया, आपका एग्जीक्यूशन इस गेट डेटा में आ जाएगा, यहां पर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर कोड एंड प्राइस, दो वैल्यू आप देंगे कोड और प्राइस में, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर आपका एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम में आएगा,
फिर आपने x डॉट डिस्प्ले, आपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया थ्रू x ऑब्जेक्ट, x जो है आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट है, अब आइटम क्लास का डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो गया और इसके जो आपने इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया है उसे वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गया। फिर आप मेन प्रोग्राम में आ गए, यहाँ आपका मेन प्रोग्राम खत्म हो गया, गेट सीएचआर प्रोग्राम क्लोज, तो फाइनली आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी क्लास को और ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट है ये बहुत बेस है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि बिना क्लास के और बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना संभव नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि किसी फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे परिभाषित करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू।